हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं है। एग्जाम जो है हमारा 6 तारीख को एग्जाम है, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है। जितना हो सकता है अपना रिवीजन कीजिए। आप नई चीजें बिल्कुल पढ़नी बंद कर दीजिए। जितना हो सकता है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए, और इसके अलावा आप नई चीजें बिल्कुल पढ़ना बंद कर दें। जितने भी आपने 4-5 महीने में जो नोट्स बनाए हैं या जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, जो आपने पहले पढ़ा है, उसको ही रिवाइज कीजिए। जितना हो सकता है 2 बार 3 बार मैक्सिमम टाइम आप उसको रिवाइज कीजिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। आप इनको ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर सकते हैं। आप इन चीजों को एग्जाम में आपकी हेल्प होगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो अभी मैं जैसे क्रिटिसिज्म पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, लिटरेरी थ्योरी पे कर चुके हैं, कल्चरल स्टडी लैंग्वेज वाली यूनिट भी मैंने कवर की है। इसी तरह से हम एज वाइज क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मॉडर्न एज के, उनको डिस्कस करेंगे। तो जितने हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने डाले हैं। कुछ नए एमसीक्यूज हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ओरिजिनली द आयरिश लिटरेरी थिएटर। क्वेश्चन पूछा गया कि आयरिश लिटरेरी थिएटर का नाम क्या था। आयरिश लिटरेरी रिवाइवल वॉज फाउंडेड बाई डब्ल्यू बी ईट्स, विलियम बटलर ईट्स। सेल्टिक रिवाइवल भी इसको बोला जाता है, और ये फर्स्ट आयरिश नेशनल थिएटर था, द आयरिश नेशनल थिएटर, और इसी को एबे थिएटर भी बोला जाता है। इसमें जो ये क्लब भी था आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के नाम से, ये जो क्लब था इसमें विलियम बटलर ईट्स, लेडी ग्रेगरी और सीनो कैसी, ठीक है, ये मेंबर है इसमें। आप मेंबर के नाम भी इनके याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिड नॉट कम फ्रॉम आयरलैंड। इनमें से कौन सा राइटर आयरलैंड से नहीं है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने पहले भी देखे हैं इसके। विलियम बटलर येट्स आयरलैंड से है, जेम्स जॉयस आयरलैंड से है, सीमस हैनी भी आयरलैंड से है, वर्जीनिया वुल्फ वॉज ए ब्रिटिश राइटर, ठीक है, ये इंग्लैंड से थी। तो ये इसका आंसर आएगा। अब और काफी सारे पॉपुलर ऑथर हैं जो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एडमंड स्पेंसर, पढ़ा होगा आपने एडमंड स्पेंसर, और ओलिवर गोल्डस्मिथ है, इसके अलावा ऑस्कर वाइल्ड है, जीबी शॉ है, ठीक है, ये आप याद रखना इनको। ये भी आयरलैंड से थे, ये जो राइटर है एडमंड स्पेंसर, ओलिवर गोल्डस्मिथ और जीबी सो, ठीक है, ये सारे विलियम बटलर येट्स, जेम्स ओएस, सीनो कैसी, लेडी ग्रेगरी, ये सारे आते हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इवेंट अलाउ मेनस्ट्रीम थिएटर कंपनी टू कमीशन एंड परफॉर्म वर्क दैट वाज पॉलिटिकली सोशली एंड सेक्सुअली कंट्रोवर्शियल। कुछ ऐसे वर्क भी थे जिनको अलाउ कर दिया गया जो पॉलिटिकली सोशली और सेक्सुअली कंट्रोवर्शियल थे। उन पे मतलब डिबेट हो सकता है, लेकिन वो अब बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के उनको सेंसरशिप दी जा सकती है, मतलब वो पब्लिश किए जा सकते हैं। ये हुआ था जब 1968 में जो लॉर्ड चैम्बरलिन है उसको अबोलिश कर दिया गया था। उसके बाद से परमिशन मिल गई थी इस तरह के वर्क को पब्लिश करने की। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसमें, द अबोलिशन ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलिन ऑफिस इन 1968। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद हाई मॉडर्निज्म इन नॉवल। हाई मॉडर्निज्म में क्या देखने को मिलता है, इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, किसने कॉइन किया है, विलियम जेम्स ने, और सबसे ज्यादा पॉपुलर किया है वर्जीनिया वुल्फ ने। वर्जीनिया वुल्फ एक मॉडर्न राइटर है, जेम्स जॉयस ने, जेम्स जॉयस भी एक मॉडर्न राइटर है। तो ये मॉडर्निज्म, ये टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मॉडर्निज्म की। फ्री इनडायरेक्ट स्टाइल भी यूज किया है, और इररिसोल्यूट ओपन एंडिंग भी होती है। ओपन एंडिंग कुछ नॉवल है, जैसे कि जो ओपन एंडेड नॉवल होती है, इसका एग्जाम्पल इंडियन लिटरेचर से अगर मैं आपको दूं तो द गाइड ओपन एंडेड होता है, जिसमें जो एंडिंग है वो कंप्लीट मतलब रिवील नहीं होती कि एंड में हुआ क्या है एक्चुअल में, ठीक है, पता नहीं चलता। जैसे कि एंड में जो मेन कैरेक्टर होता है उसमें राजू, वो नीचे बैठ जाता है, बारिश होती है, अब वो एकदम से गिर जाता है, अब नहीं पता चलता कि वो बेहोश हुआ था, उसकी डेथ हुई थी, ऐसा राइटर ने भी एंड में नहीं दिखाया, तो उनको बोलते हैं ओपन एंडेड नॉवल। तो ये भी है मॉडर्न में। नैरेटिव रियलिज्म, क्या रियलिज्म हमें मॉडर्न लिटरेचर में देखने को मिलता है। रियलिज्म जो है वो मिलता है विक्टोरियन एज में, उन्होंने सोसाइटी के
का जो डार्क सीक्रेट है, जो हाई रियलिज्म है वो दिखाया है। चार्ल्स डिकेंस के नॉवल में देखने को मिलेगा, थॉमस हार्डी की नॉवल में है। तो ये टेक्निक जो है वो मॉडर्न में नहीं आती है, तो नैरेटिव रियलिज्म इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल डिड टीएस एलियट प्रेज फॉर यूटिलाइजिंग ए न्यू मिथिकल मेथड ए प्लेस ऑफ द ओल्ड नैरेटिव मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एंशियंट माइथोलॉजी को यूज करके मॉडर्निस्ट फिक्शन में, इस तरह से जो नए स्टाइल को यूज किया है टू थिंक अबाउट मेकिंग द मॉडर्न वर्ल्ड पॉसिबल फॉर आर्ट, और इसके लिए टी एस एलियट ने कौन से वर्क को प्रेज किया है। ये जेम्स जॉयस का एक वर्क है, यूलिसिस, ठीक है, इस राइटर ने ऐसा किया है, इसलिए टी एस एलियट ने इनको प्रेज किया है, जेम्स जॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज बेस्ट कैरेक्टराइज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट है आर्ट फॉर आर्ट से वाला, विच वाइडन द ब्रिज बिटवीन आर्टिस्ट एंड ट्रेडिंग पब्लिक शोविंग द सीड ऑफ मॉडर्निज्म। जिसने क्या किया, एक सीड जो है वो बोया मॉडर्निज्म का, इसमें ये एस्थेटिक मूवमेंट से आता है, आर्ट फॉर आर्ट से, ठीक है। इनमें ये किसका फ्रेज है, वॉल्टर पीटर का, वॉल्टर पीटर और ऑस्कर वाइल्ड भी एसोसिएट करते हैं आर्ट फॉर आर्ट से, ठीक है, वो भी इसमें आते हैं, एडगर एलन पोए भी आते हैं इसमें। नेक्स्ट है, When was the ban finally lifted on D.H. Lawrence novel Lady Chatterley's Lover written in 1928? में ये डेट पूछी गई है पेपर में, पहले सीक्वेंस में क्वेश्चन आया है। ये D.H. Lawrence की एक नॉवल है लेडी चैटरलेस लवर, इसको बैन कर दिया गया था, काफी साल तक बैन रही है बुक, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा इमोरल कंटेंट था, इसलिए इस पर बैन हो गया था। बैन अपलिफ्ट हुआ इसका 1945 में, इसको दोबारा से पब्लिश किया गया इस बुक को D.H. Lawrence की। नेक्स्ट, विद विच अनॉर्मसली इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव ऑफ प्रैक्टिस इज अर्ली 20th सेंचुरी थिंकर सिगमंड फ्रॉयड एसोसिएट। सिगमंड फ्रॉयड कौन सी एक प्रैक्टिस से एसोसिएट करते हैं, कौन सा पर्सपेक्टिव है इसका, साइकोएनालिसिस है, ये थ्योरी भी है, लिटरेरी थ्योरी में भी मैंने इनके क्वेश्चन आपको करवाए हैं सिगमंड फ्रॉयड के। नेक्स्ट है, उसके बाद हाउ डिड वन क्रिटिक सम द सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गॉडोट। वेटिंग फॉर गॉडोट से बहुत बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है सैमुअल बेकेट की, 1953 में इसको लिखा गया था, फ्रेंच में लिखा गया था, 1955 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, ये याद रखना। दो बार वेटिंग फॉर गॉडोट जो है इसमें चार कैरेक्टर होते हैं, लेकिन किसी ने, एक क्रिटिक ने ऐसा बोला है इसके बारे में, एक एंड किया है इसको, नथिंग हैपन्स ट्वाइस, ऐसा बोला किसने है, यहाँ पे मैंने राइटर का नाम भी लिखा है, जो क्रिटिक है विवियन मैर्सियर, विवियन मैर्सियर ने बोला था सैमुअल बेकेट की जो ये वेटिंग फॉर गॉडोट वाली नॉवल है, नथिंग हैपेंड ट्वाइस, दोनों बार कुछ नहीं होता है। जो वेटिंग फॉर गॉडोट में लक्की और पोजो जो लेट जो वेट करते रहते हैं कि कोई आएगा, वेटिंग फॉर गॉडोट, कोई गॉडोट आएगा लेकिन लास्ट में कुछ नहीं आता, वो ऐसे ही इंतजार करते रहते हैं हर टाइम पे, तो इसने इसलिए बोला था नथिंग हैपेंड ट्वाइस। नेक्स्ट है, व्हाट डिड टीएस एलियट अटेम्प्ट टू कंबाइन दो नॉट वेरी सक्सेसफुली इन हिज प्ले मर्डर इन कैथेड्रल एंड द कॉकटेल पार्टी। इन दोनों में कंबाइन करने की कोशिश की है टीएस एलियट ने, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ इतना ज्यादा। ये एक तो ये जो मर्डर इन कैथेड्रल है इसमें तो रिलीजियस जो सिंबोलिज्म है वो दिखाया गया है, और कॉकटेल पार्टी में सोसाइटी की जो कॉमेडी है उसको, और दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की है इन दोनों वर्क्स में टीएस एलियट ने, रिलीजियस सिंबलिज्म एंड सोसाइटी कॉमेडी, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, विच पोएट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज पार्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ 1950s। 1950s में एक मूवमेंट आया था जिसका नाम है द मूवमेंट। अब इसमें पूछा गया है कौन जो है वो इसका पार्ट है, टॉम गन ये भी है इसका पार्ट, डायलन थॉमस नहीं है, फिलिप लार्किन है, और विलियम बटलर यीट्स ये भी नहीं है, तो ये दोनों आएंगे इसके ए और सी, ठीक है। और भी दूसरे मेंबर आपको इसके याद करने हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में, चार पांच बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं इसके। नेक्स्ट है, विच बेस्ट डिस्क्राइब द इमेजिस्ट मूवमेंट एग्जाम्पलीफाइड इन द वर्क ऑफ टीई ह्यूम एंड एज़रा पाउंड। ये टीई ह्यूम और एज़रा पाउंड दोनों एसोसिएट करते हैं इमेजिस्ट मूवमेंट से, ठीक है। इन्होंने एक एफर्ट किया था पोएट्री के लिए, जो रोमांटिक जो एज है उसको इतना ज्यादा, जो रोमांटिक जो राइटर है वो जिस टेक्निक्स को यूज करते थे वो ये ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, वो ज्यादा
इमोशनलिज्म डालते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इमेज की क्लैरिटी को दिखाने की कोशिश की है। इस वक्त आंसर होगा इसका एन एफर्ट टू रीड पोएट्री ऑफ रोमांटिक फ्यूजिनेस एंड फैसाइल इमोशनलिज्म रिप्लेसिंग इट विद, उन्होंने रिप्लेस कर दिया इस चीज को किससे, प्रसीजन एंड क्लैरिटी ऑफ इमेजरी, राइट। ये इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, हु रोट द डिस्टोपियन नॉवल 1984 इन विच न्यूस्पीक डेमोन्स्ट्रेट द हाइटेंड लिंग्विस्टिक सेल्फ कॉन्शियस ऑफ मॉडर्न राइटर्स। 1984 किसने लिखा है, जॉर्ज ऑरवेल ने, ठीक है, बहुत ही फेमस डिस्टोपियन नॉवल है ये जॉर्ज ऑरवेल की। इनका रियल नेम जो है वो है आर्थर एरिक ब्लेयर। ये जो जॉर्ज ऑरवेल है ये इनका पेन नेम है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल डिस्प्ले पोस्ट फॉर नॉस्टैल्जिया फॉर पास्ट इंपीरियल ग्लोरी। इसमें पॉल स्कॉट का एक वर्क है स्टेइंग ऑन, जो इंपीरियल ग्लोरी को इसमें डिस्क्राइब किया गया है, पॉल स्कॉट का वर्क है स्टेइंग ऑन। इसको शायद बुकर अवार्ड भी मिला है पॉल स्कॉट को इस बुक के लिए। नेक्स्ट है, विच फ्रेज इंडिकेट द इंटीरियर फ्लो ऑफ थॉट एम्प्लॉयड इन हाई मॉडर्न लिटरेचर। हाई मॉडर्न लिटरेचर में जो इंटीरियर फ्लो दिखाया जाता है थॉट में, स्टोरी फिर उसमें पास्ट में भी जाती है, प्रेजेंट में भी आती है, ठीक है, इस तरह से फ्लो होता है थॉट में, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या इंटीरियर मोनोलॉग भी उसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड पोस्ट कॉलोनियल नॉवलिस्ट डिफाइंड एज कमिंग हिस्टोरिकली आफ्टर द एरा ऑफ इंग्लैंड लार्ज स्केल इंपीरियलिज्म। इनके वर्क में दिखाया गया है लार्ज स्केल ऑफ इंपीरियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियल नॉवलिस्ट है ये, ठीक है। मैजिक रियलिज्म के लिए भी इनको जाना जाता है, सलमान रश्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर अवार्ड भी मिला है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका मैजिक रियलिज्म में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली द आयरिश लिटरेरी थिएटर। ये दोबारा रिपीट हो गया, द आयरिश नेशनल थिएटर, एबी थिएटर, ये दोनों है इसमें। उसके बाद है मोली ब्लूम इज ए कैरेक्टर इन जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस का एक वर्क है, उसमें कैरेक्टर है मोली ब्लूम। ये जेम्स जॉयस के कौन से वर्क में, यूलिसिस में है, बिल्कुल। इसका जो हस्बैंड है मोली ब्लूम का हस्बैंड, उसको यूलिसिस के साथ कंपेयर किया गया क्योंकि वो भी इसमें एक दूसरी जगह पे भटकता रहता है, और ये जो मोली ब्लूम है इसकी वाइफ, ये अनफेथफुल वाइफ है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज एसे। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाली टर्म कौन से एसे में टीएस इलियट ने यूज की है, ये टर्म कॉइन की है वॉशिंगटन एल्स्टन ने। वॉशिंगटन एल्स्टन ने सबसे पहले इसको इस टर्म को कॉइन किया है और इसको पॉपुलर किया है टीएस इलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, इस बुक में हैमलेट को स्टडी किया है, हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है टीएस इलियट ने, क्योंकि उसमें जो उसके इमोशनल है वो सही तरीके से ऑब्जेक्टिफाई नहीं किए गए हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला है ये एक आर्टिस्टिक फेलियर प्ले था, और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाली टर्म को पॉपुलर किया टीएस इलियट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवल इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अब ये बताना है कि कौन सी सही ऑर्डर है इसका। किम नॉवल लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने 1901 में, ए पैसेज टू इंडिया को लिखा है ईएम फॉस्टर ने 1927 है आई थिंक इसकी रेड सन्स एंड लवर 1930, डीएच लॉरेंस का है ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1945 के आसपास ही है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड अल्डस हक्सली का है ये नॉवल। तो सबसे पहले इसमें किम आएगा, देन उसके बाद सन्स एंड लवर, फिर उसके बाद पैसेज टू इंडिया, लास्ट में ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये सी वाला, ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट, वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट इज रिटन बाय। डॉक्टर स्विफ्ट ने, जोनाथन स्विफ्ट ने ही खुद ही बात की है अपनी डेथ के बारे में, एक वर्क लिखा है वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट, ये लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने। नेक्स्ट, विडोवर हाउसेस वॉज रिटन बाय। विडोवर हाउसेस जीबीसो ने लिखा है, टाइटल ही बता रहे हैं ये तो। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर। कौन सी वुमेन राइटर है जिन्होंने
शेक्सपियर की एक सिस्टर, एक इमेजिनरी कैरेक्टर जो है वो इन्वेंट किया है, उसको किया है वर्जीनिया वुल्फ ने। वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क है ए रूम ऑफ वंस ओन, ए रूम ऑफ वंस ओन। इसमें बोला था कि वुमेन की राइटिंग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले वाले टाइम में नहीं दी जाती थी। क्या शेक्सपियर की कोई बहन होती, मान लो जुडिथ शेक्सपियर, उसने एक कैरेक्टर बनाया था, क्या वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो पाती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे वुमेन की जो वुमेन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ओके, नेक्स्ट है फिर द फ्रेज ओनली कनेक्ट इज एसोसिएट विद। ओनली कनेक्ट एसोसिएट किससे एसोसिएट करता है? ओनली कनेक्ट ये वाला जो फ्रेज है किसका है? ईएम फॉस्टर का है। और जो हार्ट और हेड और सेंस ऑफ फीलिंग को कनेक्ट करने के लिए फ्रेज कॉइन किया है ईएम फॉस्टर ने, ओनली कनेक्ट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग राइटर इज नोन फॉर हिज अनफॉरगेटेबल सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी। कौन सा राइटर है जिसको जाना जाता है अपने अनफॉरगेटेबल सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी के लिए? ये है जॉन गाल्सवर्थी। हाँ, नीचे दिया गया है जॉन गाल्सवर्थी, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है इट वॉज ए ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 13, 13 बज गए। मतलब सीधा सा एक आप अंदाजा लगा सकते हो इस लाइन से कि कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है कहानी में, मतलब नॉवल में कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा जो है वो कौन सी नॉवल में होता है? कुछ गलत होता चला जाता है डिस्टोपियन नॉवल। अब देख लो आप डिस्टोपियन इसमें कौन कौन सी है, यूलिसिस ये नहीं है डिस्टोपियन, नोस्ट्रोमो भी नहीं है, ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो इनको। क्रोम येलो ये शायद डिस्टोपियन नॉवल है, और एक 1984 है, ये दोनों डिस्टोपियन नॉवल है। तो लेकिन ये लाइन है 1984 की, ओपनिंग लाइन है ये, इट वॉज ए ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक वर स्ट्राइकिंग 13, जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल है 1949। Who among the following was a Catholic novelist? Catholic novel कौन से राइटर ने लिखी है? ये मैंने पोस्ट मॉडर्न एज में पहला ही राइटर करवाया है ऑफलाइन क्लास में, ग्राहम ग्रीन। एन इंटेलिजेंस ऑफिसर भी था ये, फिल्म क्रिटिक भी है ये, एंड सेट हिज फिक्शन इन फार अवे प्लेसेस रैक्ड बाय द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। कौन है? ग्राहम ग्रीन। डी वाला आंसर इसमें सही है। चार कैथोलिक नॉवल के लिए जाना जाता है, ब्राइटन रॉक है, द हार्ट दैट मैटर और द एंड ऑफ द अफेयर, और एक और है कौन सी नॉवल है, फोर्थ वाली। तो चार कैथोलिक नॉवल के लिए फेमस है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई वन ऑफ देम इज नॉट ट्रू। अब ये बताने कौन सी ट्रू नहीं है इसमें से, नोट पढ़ना ध्यान से। रुडयार्ड किपलिंग डाइड इन द ईयर 1936, बिल्कुल सही बात है ये, 1936 में रुडयार्ड किपलिंग की डेथ हो जाती है। He was born in India. इंडिया में पैदा हुआ था बट स्कूल इन इंग्लैंड, स्कूलिंग उसके इंग्लैंड में हुई है, ये मुंबई में पैदा हुआ था रुडयार्ड किपलिंग। He returned to India as a police constable in Burma. ये गलत स्टेटमेंट दी गई है, बर्मा में वापस नहीं आया ये एज ए पुलिस इंस्पेक्टर बन के, पुलिस कॉन्स्टेबल बन के। ही इज ऑथर ऑफ द जंगल बुक, इसका सबको पता है, जंगल बुक एंड बैरक रूम का ऑथर रहा है रुडयार्ड किपलिंग। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरिश राइटर, इनमें से आयरिश राइटर कौन सा नहीं है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑस्कर वाइल्ड मैंने बताया था आयरिश है, ओलिवर गोल्डस्मिथ भी बताया था, अब याद कर लेना थॉमस ग्रे को, ये भी आयरिश राइटर है। एडमंड बर्क ये ब्रिटिश राइटर है, ठीक है, कॉलोनाइजेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इन्होंने भी, एडमंड बर्क ने, ये कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट करता था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट था एडमंड बर्क। नेक्स्ट है द प्रीलिमिनरी वर्जन ऑफ जेम्स जॉयस पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन वाज फर्स्ट, इसको स्टीफन हीरो बोलते हैं, जो ये पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन है इसका जो पहले वाला वर्जन है उसको स्टीफन हीरो बोला गया है, क्योंकि इसमें स्टीफन जो है वो मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट है द ब्लूम्सबेरी ग्रुप इंक्लूड ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स क्रिटिक राइटर एंड आर्टिस्ट, ये भी मैंने ग्रुप आपको करवाया है जब मैंने डिस्कस किया था वर्जीनिया वुल्फ, तो ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप वर्जीनिया वुल्फ का था, और इनकी एक प्रेस भी थी होगार्थ प्रेस के नाम से, इनका जो फाउंडर है इसका प्रेस का, इसके हस्बैंड थे वर्जीनिया वुल्फ के, लियोनार्ड वुल्फ। इसमें इसने पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द ब्लूम्सबेरी ग्रुप, इस ग्रुप में और कौन कौन से मेंबर है?
जेएम केनिस है इसमें, लिटन स्ट्रेचे भी है इसमें, बिल्कुल सही है, ईएम फोस्टर भी है, रोजर फ्राई है, क्लाइव बेल है, पैट्रिक ब्रंटी ये नहीं है, पॉल हॉर्थ भी नहीं है, थॉमस हार्डी, हेनरी जेम्स ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड, ये वाला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड वाला। नेक्स्ट, द ईयर 1939 प्रूव टू बी क्रूशियल ईयर फॉर टू इंपॉर्टेंट राइटर्स इन इंग्लैंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रेज बिलो। अब बताना है कि 1939 में एक ये क्रूशियल ईयर प्रूव हुआ था, क्या हुआ था 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना। ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा है ऑप्शन में। फॉर हीट्स हु डाइड, विलियम बटलर हीट्स की डेथ हो जाती है और ओडन जो है, डब्ल्यू एच ओडन, वो इंग्लैंड को छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। कौन सा एक ऐसा राइटर था जो अमेरिका छोड़ के इंग्लैंड आता है परमानेंट, टी एस एलियट ने क्रिश्चियनिटी जो है इस धर्म को अपना लिया था, कन्वर्जन किया था, कन्वर्जन पोएम भी लिखी है एस वेडनेसडे के नाम से। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मतलब सही दे रखा है इसमें कि 1939 में डब्ल्यू बी यीट्स की डेथ हो जाती है और डब्ल्यू एच ओडन इंग्लैंड को छोड़ के यूएस चले जाते हैं। नेक्स्ट है, इन ग्राहम ग्रीन्स ब्राइटन रॉक, हेल इज मर्डर्ड विद द हेल्प ऑफ ए ब्राइटन रॉक। वो ब्राइटन रॉक जो है वो क्या था, एक काइंड ऑफ शुगर कैंडी थी जिसकी वजह से हेल का मर्डर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेराइट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी दैट ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये तो कई बार मैंने रिपीट भी किया है, इसको क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, एब्सर्ड थिएटर में कौन कौन आते हैं, ये जो टर्म है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये मोस्ट फेमस इसके लिए है एल्बर्ट कैम्यू, एल्बर्ट कैम्यू मोस्ट फेमस है, और थिएटर ऑफ एब्सर्ड को किसने दिया है, नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी क्या नाम है थिएटर ऑफ एब्सर्ड किसने दिया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, मार्टिन एसली ने दिया है शायद, हाँ मार्टिन एसली, ठीक है, इन्होंने इसको कॉइन किया है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये सेम नाम से ऐसे था इनका, तो इसमें सबसे पहले इस टर्म को यूज किया। इसमें जीन जेनेट आते हैं, सैमुअल बैकेट आते हैं, यूजिन लेनेस्को भी है इसमें, और एक आर्थर एडामो है इसमें, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, और एल्बर्ट कैम्यू भी स्पेशली याद करना है, और इसके अलावा हैरोल्ड पिंटर को भी शामिल किया था बाद में इसमें, हैरोल्ड पिंटर। ये तीन और दो पांच छह नाम आपको इसमें याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है जो एसोसिएट करते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोपोल्ड ब्लूम इन यूलिसिस इज, लियोपोल्ड ब्लूम कौन है यूलिसिस में, एक ये ज्यूविश इनके फादर थे और नॉन ज्यूविश इनकी मदर थी, ये एडवर्टाइजिंग एजेंट है इसमें, लियोपोल्ड ब्लूम, सी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, ज्यूविश एडवर्टाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है, फिर मैच करना है, कोड दिए गए हैं, एक तरफ नोवल के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्या है, लाइन है दूसरी तरफ, इट वॉज डन, इट वॉज फिनिश्ड, यस, शी थॉट लाइंग डाउन टू ब्रश इन एक्सट्रीम फटीग, आई हैव हैड माई विजन, एंड अप्रैल 27, ओल्ड फादर ओल्ड आर्टिफिशियर, ये तो लाइन है ओल्ड फादर वाली, पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, इसकी है फोर्थ का सेकेंड आएगा, इसमें फोर्थ का सेकेंड आएगा, और नो नॉट येट एंड दैट्स द स्काई सेट नॉट नो नॉट देयर, ये वाली लाइन बिल्कुल लास्ट में है, ए पैसेज टू इंडिया में, जब वो फील्डिंग उसको बोलता है ना डॉक्टर अजीज को, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, वो बोलता है नो नॉट येट एंड द स्काई सेट नो नॉट देयर, ठीक है, नॉट अंडर दिस स्काई, ऐसे कुछ लाइन है उसमें, तो ये फोर्थ वाली लाइन होगी किसकी, पैसेज टू इंडिया की, तो फोर का थ्री हो जाएगा, फोर का थ्री देखो किसमें दिया गया है, नहीं फोर का होगा, ए पैसेज टू इंडिया, थर्ड का फोर्थ हो जाएगा इसमें, तो ये थर्ड है, थर्ड वाला फोर्थ इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है,
है, लेकिन फोर्थ का सेकंड है एक भी, फोर्थ वाले का सेकंड होगा, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। हाँ इसकी लाइन है, अप्रैल 27 ओल्ड फादर ओल्ड आर्टिफिशियल, ठीक है। और लाइट हाउस की है, इट वॉज डन, ये वाली, ये फर्स्ट आ जाएगी इसमें, तो इसका सी आंसर होगा। फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का फर्स्ट है, और थर्ड का फोर्थ, और फोर्थ का सेकंड, ये लाइन आपको याद करनी है, ठीक है। कौन सी नोवेल से कौन सी लाइन आती है। नेक्स्ट है, अरेंज द सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड इन ऑर्डर इन विच दे अपियर इन द पोएम। इनको अब ऑर्डर में सेट करना है। पांच पार्ट में वेस्टलैंड को लिखा गया है। पहला पार्ट है इसका द बरियल ऑफ डेड, फिफ्थ वाला आ जाएगा पहले, उसके बाद ए गेम ऑफ चेस, पहले फिफ्थ आएगा, फिर गेम ऑफ चेस आएगा, देन द फायर सरमन, और व्हाट द थंडर सेड, और फिर लास्ट में आएगा डेथ बाय वाटर, और व्हाट द थंडर सेड आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस में याद करने हैं। उसके बाद आगे, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवल वॉज नॉट रिटन इन 1922, 1922 में कौन सी नॉवल नहीं लिखी गई। यूलिसिस है 1922 में, है जेम्स जॉयस की जैकॉब्स रूम, वर्जीनिया वुल्फ 1922, अरोन्स रॉड, डीएच लॉरेंस, ये भी 1922 में है, पैसेज टू इंडिया है 1927 में, 1927 है, 1924 है, इन दोनों में से एक डेट है, ठीक है। इसकी चेक कर लेना एक बार, 1924 है या 7 है, पैसेज टू इंडिया, तो लेकिन 1922 पूछा गया है, इसमें ये ही नहीं है पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट, इट्स सडन बिलो द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल अबाउट द स्टेजरिंग गर्ल। अचानक क्या हुआ, जो ग्रेट विंग्स है, बड़े बड़े पंख, बीटिंग स्टिल अबाउट द स्टेजरिंग गर्ल, एक जो लड़की है उसके, उसको जकड़ दिया जाता है पंखों से, हर थाई स्क्रीज, उसकी जो थाई है वो बिल्कुल सीज कर दी जाती है, बाय द डार्क वेब्स हर नेप कट इन हिज बिल। ऐसा किसमें है, लेडा एंड स्वान एक पोएम है विलियम बटलर कीट्स की, ठीक है। तो उस उन्होंने लेडा एंड स्वान में जो स्वान है एक गोड है, हंस, एज ए हंस बन के आता है वो, और लेडा का रेप कर देता है, ठीक है। तो वो किसने लिखी है पोएम, वो विलियम बटलर यीट्स ने पोएम लिखी है, पोएम का नाम है लेडा एंड स्वान। नेक्स्ट, कंज्यूम माई हार्ट सबे सिक विद डिजायर एंड द फास्टन टू द डाइंग एनिमल, ये लाइन भी विलियम बटलर यीट्स की है, ठीक है। जब वो उसमें सेलिंग टू बाइजेंटियम में बोलता है ना वो, कि जो सेंट है वो आग में, जैसे आग में जलते हैं उससे क्या होगा, उनका हार्ट जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है, इस तरह से वो कहता है कि मेरा जो मैं बहुत सिक हो गया उन चीजों से, तो मुझे रिट चाहिए, इसलिए बोलता है कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर, जो कि डिजायर से सिक हो चुका है, यह है सेलिंग टू बाइजेंटियम। उसके बाद नेक्स्ट है, द प्रोटैगनिस्ट रिटर्न विद, इसकी ओपनिंग लाइन भी याद करनी है आपको, सेलिंग टू बाइजेंटियम में, देयर इज नो कंट्री फॉर एन ओल्ड मैन, ये लाइन पूछी गई है पेपर में पहले। नेक्स्ट, द प्रोटैगनिस्ट रिटर्न्स विद एन एडमोनिशन द डायमंड सेंट टू हिम स्मगलिंग आउट आउट ए पैकेट ऑफ डायमंड एज ब्राइब। ये है ग्राहम ग्रीन की नॉवल है, हेनरी स्कूबी वाली है, द हार्ट ऑफ द मैटर, हार्ट ऑफ द मैटर, ये भी कैथोलिक नॉवल है ग्राहम ग्रीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाय जीन राइस। इसमें से कौन सी नॉवल जीन राइस ने नहीं लिखी है। ये है क्वाइट अमेरिकन, क्योंकि इस नॉवल को लिखा है क्वाइट अमेरिकन, किसने लिखा है, ग्राहम ग्रीन ने। हाँ फोर्थ कैथोलिक नॉवल जो मैंने तीन बताई थी आपको, ये फोर्थ वाली वही है, ये क्वाइट अमेरिकन ग्राहम ग्रीन ने लिखी है, बाकी के तीनों वर्क जो है वो जीन राइस के। नेक्स्ट, अर्नेस्ट पॉन्टिफेक्स इज ए कैरेक्टर इन, ये है द वे ऑफ ऑल फ्लैश, इसमें कैरेक्टर है ये अर्नेस्ट पॉन्टिफेक्स, इंपॉर्टेंट नॉवल है ये द वे ऑफ ऑल फ्लैश, इसकी समरी पढ़नी है। अगला क्वेश्चन, ए रिमार्केबल नॉवलिस्ट ऑफ द इंग्लिश मॉडर्निस्ट फ्रेज हु रोट ए शॉर्ट बुक ऑन व्हाट द नॉवल इज व्हाई इट मैटर्स। यहां से क्या पता चल रहा है कि नॉवल के बारे में बात करके, व्हाई नॉवल मैटर्स, ये नॉवल किसने लिखी है, डीएच लॉरेंस ने, आइडेंटिफाई द नॉवलिस्ट, ये है फोर्थ वाला, डीएच लॉरेंस ने नॉवल लिखी है व्हाई द नॉवल मैटर्स, पहले भी मैच मेकिंग में क्वेश्चन आ चुका है ये।
उसके बाद है वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस बिगिंस इन पीस ऑफ डायलॉग यस ऑफ कोर्स इट इज इट्स फाइन टुमारो सेड मिसेज रामसे बट यू विल हैव टू बी अप द लार्क सी एडिड ऐसा बोला है उसने किसके लिए बोला है प्रेजेंट अमंग द लिसनर ऑफ हर रिमार्क इज प्रेजेंट अमंग द लिसनर हाँ ये एड्रेस किया गया है उसके बेटे को ठीक है तो हर सन आएगा इसमें क्योंकि उसका जो बेटा होता है वो पहले ज्यादा जिद करते हैं वो स्टार्टिंग में बिल्कुल वो बच्चा जिद करता है कि मुझे लाइट हाउस जाना है ठीक है लेकिन काफी टाइम बाद की बात है जब उसका फादर उसको लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है लाइट हाउस पे तो उसकी माँ की डेथ हो चुकी है उस टाइम पे तो अब इसका मन नहीं है जाने का ये जाना नहीं चाहता तो तब वो बोलता है यस ऑफ कोर्स इट्स फाइन टुमारो नेक्स्ट टी एस एलियट फाउंड स्पिरिचुअल स्पॉट इन टी एस एलियट ने स्पिरिचुअल जो स्पॉट है वो कहाँ पे फाउंड किया है क्रिश्चियनिटी में क्योंकि उसने कन्वर्जन किया था क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको अडॉप्ट कर लिया था हु नरेट्स हार्ट ऑफ डार्कनेस हार्ट ऑफ डार्कनेस को किसने नरेट किया है इसमें दो नरेटर है एक तो अननेम्ड नरेटर है जिसको मोस्टली नॉवल जो है वो अननेम्ड नरेटर ने ही नरेट किया है और दूसरा जो है इसमें मार्लो भी है ठीक है दो नरेटर है इसमें मार्लो और एक अननेम्ड नरेटर ये दोनों सही है इसके आंसर वैसे अगर पेपर में अगर एक पूछा जाए तो पहले आपको अननेम्ड नरेटर के साथ ही जाना है राइट नेक्स्ट इन ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट द टर्म ट्रेडिशनल यूजुअली मींस ट्रेडिशनल को यहाँ पे एक नेगेटिव वे में यूज किया गया है समथिंग नेगेटिव ना कि किसी पुरानी चीज की यहाँ पे बात हो रही है कोई नेगेटिव वे में इसको यूज किया गया है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट 19 या 20 का ऐसे है ये टी एस एलियट का नेक्स्ट व्हाट डिड द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश्ड बाय जेम्स जॉयस इन 1914 क्या कलेक्शन दिया टाइटल दिया गया था उस कलेक्शन को जो 1914 में इसने एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन पब्लिश किया था डबलिनर्स नाम से ठीक है डबलिन आयरलैंड में है ये राइटर आयरलैंड से था जेम्स जॉयस नेक्स्ट वेयर डज कॉनराड हार्ट ऑफ डार्कनेस बिगिन कहां पे स्टार्ट होता है ये बिल्कुल जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें काफी सारे सेलर जो है वो अब्रॉड जा रहे हैं और जिस बोट में वो बैठे हैं जिस बोट पे वो जो बोट है वो जिस नदी पे तैर रही है वो है द थेम्स रिवर थेम्स से स्टार्ट होती है हार्ट ऑफ डार्कनेस अगला विच नोवल डिड जेम्स जॉयस कॉल द इंग्लिश यूलिसिस किसको जेम्स जॉयस ने बोला है इंग्लिश यूलिसिस यूलिसिस क्या है एडवेंचर्स है ठीक है अलग अलग जगह पे वो भटकता रहता है एक तरह से पिकारस नॉवल है इनमें से कौन सी पिकारस नॉवल है क्लैरिसा नहीं है वैनिटी फेयर नहीं है ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी नहीं है रॉबिन्सन क्रूसो है तो उसी को इंग्लिश यूलिसिस बोला है उसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग रुडयार्ड किपलिंग ने कौन सा नहीं लिखा जस्ट सो स्टोरीज लिखा है पक ऑफ बुक्स हिल भी लिखा है द सीक्रेट गार्डन लिखा है फ्रांसिस बर्नेट ने और रिवर्ड्स एंड पेरिस भी रुडयार्ड किपलिंग का है तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग द वर्क निराद सी चौधरी कॉल्ड द फाइनेस्ट नॉवल इन इंग्लिश लैंग्वेज विद एन इंडियन थीम एक फाइनेस्ट नॉवल है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया लेकिन थीम यूज की गई है इंडियन ठीक है लामा वाली नॉवल है ये किम्बरले ओहारा ये मेन कैरेक्टर है इसमें जो होली रिवर को ढूंढते हैं ग्रेट गेम का भी इसमें रेफरेंस दिया गया है नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग डिसमिस यूलिसिस एज ए मिसफायर यूलिसिस को किसने डिसमिस किया है ये बोला है ये मिसफायर इसमें वर्जीनिया वुल्फ ने बोला था कि एलिमेंट तो सही लिखे थे लेकिन गलत वे में यूज किए गए हैं इसलिए यूलिसिस को डिसमिस किया है और बोला है एज ए मिसफायर ठीक है गलत वे में कंटेंट को यूज किया गया है इसमें वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस हैज ए ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर द थ्री पार्ट ऑफ द नेम्ड द फॉलोइंग एक्सेप्ट इसमें से कौन सा तीन पार्ट में लिखा गया है लाइट हाउस को थर्ड जो पार्ट है वो लाइट हाउस है इसका तो इसमें स्काई विंडो टाइम पासिस लाइट हाउस नहीं ये स्काई वाला नहीं है इसमें ये इसका सही आंसर होगा द विंडो टाइम पासिस ऑफ द लाइट हाउस तीन पार्ट में है वर्जीनिया वुल्फ की ये जो नॉवल है टू द लाइट हाउस ठीक है इसमें एक पार्ट पूछा गया था कौन सा नहीं ये स्काई वाला नहीं है तो ये इलिमिनेट होगा इसमें आगे हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न राइटर्स इज एसोसिएट विद कोट ओनली करेक्ट ये रिपीट हो गया ईएम फॉस्टर का है इन ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी एस एलियट यूज द एनालॉजी ऑफ द कैटलिस्ट टू इलिसिट
his theory of impersonal theory, he cites the example of filament of platinum and the poietic process is the equivalent to. पोएटिक प्रोसेस जो है वो किसके equivalent बताया है, पोएट का जो माइंड होता है उसको कंपेयर किया गया है, ठीक है। इसने केमिकल रिएक्शन करके उसमें प्रैक्टिकल एज ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था, केमिकल रिएक्शन के साथ पोएट के माइंड को कंपेयर किया गया है। तो इस किसके equivalent है ये, द माइंड ऑफ द पोएट। आगे, इन वुमेन इन लव व्हाट इज विनफ्रेड स्पिंकीज डॉग कॉल्ड, इसका नाम होता है लूलू, ठीक है। वुमेन इन लव में विनफ्रेड पिंकीज का जो डॉग है उसका नाम है लूलू। वुमेन इन लव किसका वर्क है, डीएच लॉरेंस का। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय डब्ल्यू बी ईट्स रेपुडिएट्स द सेंसुअल वर्ल्ड इन फेवर ऑफ द आर्टिफाइस ऑफ एटर्निटी। आर्टिफाइस ऑफ एटर्निटी वाली जो बात है शायद उसमें अंडर द बैन बल्बिन में नहीं है, अमंग स्कूल चिल्ड्रन में नहीं है, सेलिंग टू बाइजेंटियम इसमें है, ये लाइन है, ये एज इट इज लाइन आपको मिल जाएगी, द आर्टिफाइस ऑफ द एटर्निटी सेलिंग टू बाइजेंटियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज इज नॉट पार्ट ऑफ डब्ल्यू एच ऑर्डन्स पोएम इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, ये सारी लाइनें इसमें यूज की गई है, मेमोरी सिंकिंग इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे, फुल रनिंग थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट, साइलेंस इनवेडिंग द सबर्ब, ये वाले नहीं है, मेमोरी स्कैटरिंग लाइक द बीट्स, ये एलिमिनेट होगी इसमें, ठीक है। बस 60 क्वेश्चन है आज के, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न एज, मॉडर्न एज के क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, 60 के आसपास 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हो गए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से डिस्कस कीजिए, सोल्व कीजिए अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे विक्टोरियन एज की। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी एनटीए की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आपको अपडेट उसकी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।